एक वक्त था जब संजू सैमसन टीम इंडिया में अंदर बाहर हो रहे थे और गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर संजू सैमसन भारत के लिए नहीं खेलते हैं तो ये संजू सैमसन का नहीं बल्कि टीम इंडिया का दुर्भाग्य है। उनका मानना था कि संजू वो सब कुछ कर सकते हैं जो शायद ही कोई भारतीय बल्लेबाज करने की क्षमता रखता हो। अब संजू सैमसन ने पहले हैदराबाद में बांग्लादेश और फिर डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक ठोकते हुए इतिहास रचा। जो फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके गौतम गंभीर की वो बातें सच लगने लगी हैं। खैर, संजू सैमसन ने अब लगातार दूसरा T20 इंटरनेशनल शतक पूरा किया तो ये उनके लिए भावुक पल थे। इस खास मौके पर उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा, अगर मैं बहुत सोचूंगा तो भावुक हो जाऊंगा। मैंने इसके लिए 10 साल इंतज़ार किया। मैं खुश हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने पांव ज़मीन पर रखना चाहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहूंगा। इस समय का लुत्फ उठाना चाहूंगा। संजू सैमसन ने आगे कहा कि मैंने अपनी बल्लेबाजी को खूब एंजॉय किया। आप कह सकते हैं कि ये मेरी सबसे अच्छी फॉर्म है। उन्होंने इसके बाद टीम के आइडिया के बारे में बात करते हुए कहा कि हम इसी इंटेंट के बारे में बात कर रहे थे। हमें आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी और खुद से आगे टीम को रखना होगा। जब भी 3 से 4 गेंदें खेलें तो बाउंड्री लगाने की कोशिश करें। साथ ही साथ उनके बारे में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही प्यारा अवार्ड मिलेगा। वो ये जानते हैं, मैं बहुत नहीं सोच रहा हूँ। कई बार ये काम करता है, कई बार काम नहीं भी करता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन की बल्लेबाजी को लेकर कहा कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जितनी मेहनत की है वो उसका फल खा रहे हैं। वो 90s के दौरान भी बाउंड्रीज की तलाश कर रहे थे, टीम के लिए खेल रहे थे और हम यही चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम पर जीत हासिल करने के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टूर्नामेंट का अगला मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाफ तूफानी शतक लगाया। पहले ही T20 मैच में इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने शतक का क्रेडिट टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को दिया है। संजू सैमसन ने इस शतक के बाद बताया कि कैसे उन्हें गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने मोटिवेट किया था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।